बच्चों अभी अभी जो है क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, इसमें भी आप देखें यहाँ पर जो है चार टर्म से इसमें ना, ठीक है, और चारों टर्म में जो कॉमन है, चारों टर्म में जो कॉमन है वो हमारे पास x कॉमन है और y भी कॉमन है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह करेंगे, आप देखिएगा सॉल्यूशन 2x² y³ + 2x^4 y - 3x³ y² - 3x y^4, ठीक है। अब इन चारों टर्म में हमारे पास x और y सब के साथ रखा हुआ है। अब पहले मैंने क्या कर दिया, x और y बाहर रखा क्योंकि कॉमन है। अब देखो इसमें इस फर्स्ट टर्म में से मैंने x और y बाहर रखा, यहां पर x स्क्वायर है, एक x बाहर, तो एक पावर वाली आएगी, यहां पर स्क्वायर रखेंगे पॉजिटिव 2 और x क्यूब आएगा, y वैसे यहां बाहर रखा हुआ है, -3x² y - 3y³ हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एक्स वाई, इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो हम लेंगे। आप देखो यहां पर 2 कॉमन है, ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, एक्स कॉमन है वाई कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में हम 2 और एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। जब एक्स और कॉमन लिया तब हमारे पास फर्स्ट टर्म में से 2 और एक्स बाहर रखेंगे, यहां पर आएगा y² पॉजिटिव साइन हमने सेम रख दी, 2 हमारा बाहर रखा हुआ है, एक एक्स हमारे बाहर है, तो यहां पर x² रखेंगे, ठीक है। माइनस इन दोनों टर्म में जो ना कॉमन, आपके पास माइनस भी है और 3 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, -3 और y हमने बाहर रखा। अब जो है ब्रैकेट में जो आएंगी वो है x² + y² यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आप देखो यहां पर जो ना हमारे पास जो फर्स्ट हम एक्स और वाई आपका सेम आएगा, अंदर देखो दो ब्रैकेट्स बनी है, दोनों ब्रैकेट्स में देखो इसमें रखा हुआ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो वो दर से है। आप देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर जो आएगा हमारे पास 2x - 3y, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी करके लिख सकते हैं, आप देखें एक्स वाई और दूसरी ब्रैकेट हमारे पास आएगी 2x - 3y, दूसरी ब्रैकेट x² + y² ये हमारा आंसर है। बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को, जो अभी जो हमने क्वेश्चन जो लिखा है इसमें भी आपके पास, इसमें भी हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है a² c² + 4ac + 4, इन तीनों टर्म में हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो तीनों में, यहां पर कोई ऐसा वेरिएबल भी नहीं है अगर कोई कॉमन हो, तो ये वाली जो फॉर्मेशन है हमारे पास, एक फार्मूला है हमारे पास a + b² = a² + 2ab + b², ठीक है। और आप देखिए यहां पर हमारे पास तीन टर्म्स हैं और यहां पर भी हमारे पास तीन टर्म्स हैं और ये फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म है, यहां पर भी हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब ac² करके मैं लिख सकता हूं। आप देखिए इसकी थर्ड टर्म जो है ना b² है, यहां पर भी इसकी थर्ड टर्म ये रखी हुई है 4, क्या हम 4 को इस तरह करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन हम रखेंगे जो फार्मूला में आपके पास गिवन है, क्योंकि ये सेम एज इट इज फार्मूले की कंडीशन की तरह बना हुआ है, सही है। उसके बाद हम 2 फार्मूले का देंगे जिस तरह हमारे पास फार्मूला ही गिवन है। अब a की जो वैल्यू हमने रखी है वो है हमारे पास ac, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेरे बच्चों अब जो है हमारे पास 2 हमने दिया, उसके बाद a की वैल्यू रखी, अब हम b की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब देखो जब हम करेंगे ना इसको, ये a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, आखिर में आपके पास यहां पर जो है 2² यानी ये 4। अब देखो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 हो जाएगा, ये 4ac,
तो आपके पास सेम एज इट इज कंडीशन बनी हुई है। मगर जब अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो वहां पर ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये लाजमी है आप इसके साथ लिखोगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स तब आपको मिल पाएंगे जब ये चीज आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारे पास देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम इसको ए प्लस टू ए प्लस सी सॉरी यहां पर ए सी प्लस टू होल स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं और ये इसका आंसर है। बच्चों समझ में आ गया, आपकी बुक में यही है। ठीक है चिल्ड्रन, अभी जो आपने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर एट है, इसी एक्सरसाइज का और फॉर्मेशन आपके पास सेम एज इट इज है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया, आप देखोगे फर्स्ट आपका स्क्वायर है, लास्ट वाला भी आपका स्क्वायर वाला है, क्योंकि 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9। तब मेरे बच्चों एक्स वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर करके लिखेंगे, आपको पता है 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो 81 है ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2 फार्मूला, ए की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू आपके पास 9 है। अब देखो 2 9 18 हमारे पास सेम एज इट इज कंडीशन है जो फार्मूला में गिवन है। अब देखो आगे जो है इस तरह करके लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 और ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों।